सभी गुरु भाई बहनों को जय प्रभु जी की। आज भारत का 75वां इंडिपेंडेंस डे है, सभी को बधाई उसकी भी। और आज हम लीलामृतम का पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्री प्रभु जी का संकीर्तन, उसके बाद पाठ प्रारंभ करेंगे। प्रभु जी हरि हरि बो, सतगुरु हरि हरि बो। प्रभु जी हरि हरि ओ, सतगुरु हरि हरि बो। हरि हरि ओम, हरि 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 ओम, हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम, सतगुरु हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम, सतगुरु हरि हरि। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम, सतगुरु हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि सतगुरु हरि हरि। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओ, प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओ। प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु नारायण हरि ओ, प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओ। योगेश्वर लीलाधारी मेरे प्राण प्यारे, योगेश्वर लीलाधारी मेरे प्राण प्यारे। आ जाओ चित चोर मेरे, प्रभु जी मेरे आधारे। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओ, प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओ। प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु नारायण हरि ओ, प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओ। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु जी नारायण हरि ओ, प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण।
शुरुआत करते हैं छोटे से भजन के, उसके बाद लीलामृतम पाठ होगा। मैं प्यारा हूँ श्री प्रभु जी का, मुझे किस बात की चिंता। मैं प्यारा हूँ श्री प्रभु जी का, मुझे किस बात की चिंता। मैं प्यारा हूँ श्री मोहन का, मुझे किस बात की चिंता। मैं प्यारा हूँ श्री प्रभु जी का, मुझे किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। मेरे प्रभु जी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे प्रभु जी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मैं प्यारा हूँ श्री प्रभु जी का, मुझे किस बात की चिंता। बड़ी भारी कृपा प्रभु जी ने मुझको अपना बनाया है। बड़ी भारी कृपा प्रभु जी बनाया मुझको है अपना। मेरी स्वासों में बस जाओ, मुझे किस बात की चिंता। मैं प्यारा हूँ श्री प्रभु जी का, मुझे किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों तुम दिन रात, किस बात की चिंता। प्रभु जी ने पकड़ा है जब हाथ, मुझे किस बात की चिंता। प्रभु जी ने पकड़ा है जब हाथ, मुझे किस बात की चिंता। मैं प्यारा हूँ
श्री प्रभु जी का मुझे किस बात की चिंता। कदम जब लड़े खड़ा जाए प्रभु जी ने हाथ थामा है। कदम जब लड़े खड़ा जाए प्रभु जी ने हाथ थामा है। जरा सोचो ये अनुभव हम सभी का जाना माना है। जरा सोचो ये अनुभव हम सभी का जाना माना है। प्रभु जी अंग संग रहते हमें किस बात की चिंता। प्रभु जी अंग संग रहते हमें किस बात की चिंता। मैं प्यारा हूँ श्री प्रभु जी का मुझे किस बात की चिंता। मैं उनको भूल भी जाए वो मुझको हर दम देखते रहते। मैं उनको भूल भी जाए वो मुझको देखते रहते। मैं उनका नन्हा बालक हूँ मुझे किस बात की चिंता। मैं उनका नन्हा बालक हूँ मुझे किस बात की चिंता। मैं प्यारा हूँ श्री प्रभु जी का मुझे किस बात की चिंता। मैं प्यारा हूँ श्री प्रभु जी का मुझे किस बात की चिंता। मैं प्यारा हूँ श्री प्रभु जी का मुझे किस बात की चिंता। और इसके साथ आज का लीलामृतम पाठ प्रारंभ करते हैं। कल मास परायण 21 विश्राम तक श्री प्रभु जी किस तरह से नेपाल धाम में रहे, किस किस तरह की घटना हुई और वो सब विवरण करते हुए अंतिम में जब वो घटना आई कि श्री प्रभु जी के गुरुदेव श्री महाप्रभु जी हर 6 महीने में एक बार उठते थे और बहुत से महात्मा उनके दर्शन के लिए आया करते थे, तो अब श्री प्रभु जी इंतजार में थे और वो समय श्री महाप्रभु जी के उठने का आ गया। और वो 6 महीने में जब उठते थे उनका स्वागत के लिए आसपास के सारे सिद्ध महासिद्ध उनके दर्शन के लिए आया करते थे। आगे अब वो घटना में क्या होता है ये आगे विवरण होगा। महाप्रभु कल्याण निधाना कि
ये समाधि से उठाना, स्वागत सेव राम सब दीना, शीश चरण प्रभु के धर दीना, ऋषि सिद्ध उस देश के सारे, उठे सदा शिव भेद निहारे, चले सुशीघ्र मोद मन छाए, महाप्रभु के दर्श को धाए, कोई मुनि चल पैदल ही जाते, दूर देश के गगन से आते, चहु देश के योगी जन आए, महाप्रभु को नमन झुकाए, महाप्रभु मंडप में साजे, चारों तरफ संत बड़ साजे, महाप्रभु के पद चित लाई, बैठे राम चकोर की नाई, अनुपम सिद्ध समागम प्यारा, षडमाशा में होई एक भारा, महाप्रभु अब उठ कर आते, दिग्गज से दर्श को धाते, शंका जो जिसके मन आती, किसी तरह जब सुलभ न पाती, प्रभु को आकर संत सुनाते, समाधान जब उनसे पाते, वह साधु भी वहां थे आए, जो प्रभु जी को दंभ दिखाए, उसके आसन गए थे भोले, पर नहीं संत प्रभु से बोले, महाप्रभु के सामने बैठा सीना तन, उसे देख मुस्का गए प्रभु जी कृपा निधान, प्रभु की आज्ञा से हुई सिद्ध सभा आरंभ, प्रश्न किया इस सिद्ध ने, कर कर मन में दंभ, बोला सिद्ध ब्रद अभिमानी, योगी बड़ा या उत्तम ज्ञानी, कथन है ये वेदांत में आया, करता तम का ज्ञान सफाया, ज्ञान उदय होता क्षण माही, रुकता फिर अंधियारा नाही, ज्ञानी जब पल में हो जावे, क्यों नर जीवन योग में खोवे, महाप्रभु सुन सिद्ध की बाणी, प्रभु से बोले कृपा निधानी,
सोच के इस शंका का कारण पुत्र करो तुम सकल निवारण। प्रभु राम लाला योग लीला मृत हारी मोहन अखंड चंद्र चमकारी। तो हुआ यूं, जब श्री प्रभु जी आसपास के क्षेत्रों में सिद्धों से मिलने जाते थे, हर 15 दिन में श्री प्रभु जी उठ जाया करते थे समाधि से, जबकि उनके गुरुदेव महाप्रभु जी 6 महीने में एक बार उठते थे। तो प्रभु जी जब आसपास के सिद्धों से मिलने जाया करते थे, उनमें से एक वृद्ध सिद्ध थे। प्रभु जी वहां उनके कुटिया में पहुंचे, उन्होंने प्रभु जी से बात नहीं की, मुंह फेर लिया, प्रभु जी तुरंत वापिस आ गए। वही सिद्ध सारे सिद्ध समाज में जब इकट्ठा हुआ, वो भी आए, प्रभु जी महाप्रभु जी उठे, वो प्रभु जी के बनाए हुए सुंदर से मंडप में बैठ गए। एक एक करके कई सिद्ध वहां आए, जुड़ने लगे, कोई आकाश मार्ग से आ रहा था, कोई पैदल चल के आ रहा था, और सभी आकर महाप्रभु जी के चरणों में अपने जटाओं से एक एक बाल भेंट करते थे। ये महासिद्धों की सिद्धों की परंपरा है हिमालय में। और प्रभु जी एक टक एक साथ में बैठे हुए थे, और वो भी महाप्रभु जी को अपने गुरुदेव के दर्शन किए जा रहे थे। तभी ये सिद्ध जो प्रभु जी से बात नहीं किया, वो उठ खड़ा हुआ, बोला मुझे प्रश्न पूछना है। और फिर प्रश्न, वैसे वहां परंपरा हिमालय में ये है नेपाल में कि जिसके मन में जो प्रश्न आता है, वो प्रश्न का उत्तर अपने गुरुदेव के जब समक्ष बैठते हैं तो अपने आप उसका उत्तर मन के अंदर आ जाता है। जिसे बोलते मौन ही मौन गुरुदेव व्याख्यान करते हैं, मौन रह के व्याख्यान करते हैं, मतलब अंदर ही अंदर वो व्याख्यान हो जाता है, बोलना नहीं पड़ता। लेकिन ये सिद्ध कुछ अहंकारी था, इसने एक प्रश्न किया उस सभा में कि जब वेदांत में कथन आया है कि यदि एक ज्ञानी को जब ज्ञान होता है तो पल भर भी जब ज्ञान हो जाता है तो तुरंत सारे अंधकार का, तमस का, सारी माया का पर्दा खुल जाता है और वो ज्ञानी मुक्त हो जाता है, ये वेदांत का कथन है, तो फिर सारे जग के जीव या हम सभी जन्म जन्मांतर योग क्यों अभ्यास करते हैं, अपना जीवन क्यों व्यर्थ करते हैं योग करके? ये प्रश्न उस महासिद्ध ने पूछा महाप्रभु जी से। महाप्रभु जी ने प्रभु जी की ओर इशारा किया, प्रभु जी उसमें युवा अवस्था में थे, 10-15 साल की उम्र थी, 15-16 साल की रही होगी। प्रभु जी को बोले कि पुत्र इस शंका का निवारण तुम ही करो। जैसे ही महाप्रभु जी ने इशारा किया, प्रभु जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए। जैसे ही प्रभु जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए, वो सिद्ध जिन्होंने प्रश्न किया था उनको बड़ा क्रोध आ गया, उनको लगा कि उनका अपमान हो गया, ये कल का लड़का ये मेरा जवाब क्या दे। वो क्या बोले, प्रश्न हमारा आपसे आप करो समाधान, बालक यह प्यारा तुम है पर है ये नादान। सुन साधु के यूं वचन महाप्रभु मुनि राय, उत्तर बालक दे तुम्हें सुनो धीर मन लाए। तो वो पहले तो सिद्ध ने विरोध किया, मेरा प्रश्न तो महाप्रभु जी आपसे है, आप ही उसका उत्तर दो, ये तो नादान बालक है, ये क्या उत्तर देगा मेरे प्रश्न का। महाप्रभु जी बोले कि देखो, तुम इस बालक की बात को धैर्य धारण करो और ध्यान से सुनना, ये तुमको बिल्कुल जवाब देगा। पर वो अहंकारी था, उसको अपमान लगा, उसको क्रोध आ गया। तो जब उसको क्रोध आ गया,
उसने कुछ कटु शब्द बोल दिए। क्या बोला? योग ज्ञान से श्रेष्ठ बतावे भारी सभा में शान दिखावे। लख चौरासी भोगने लायक बनता बड़ा योग का पायक। तो जब महाप्रभु जी ने बोला कि नहीं यही उत्तर देगा, ध्यान से सुनो, प्रभु जी ने उत्तर देना चालू किया। उस सभा में प्रभु जी ने बोला कि देखो, ज्ञान होना सरल बात नहीं है, किताबी ज्ञान तो सबको होता है, पर वो आत्मसात व्यक्ति नहीं कर पाता, वो उसको अनुभव में नहीं ले पाता। इसलिए उस ज्ञान उस वेदांत को का अध्ययन करने के बावजूद, कई वर्षों अध्ययन करने के बावजूद भी ज्ञानी मात्र किताबी ज्ञानी रहता है, वो अनुभव नहीं कर पाता। इसीलिए योग जो है अनुभव का विज्ञान है। इसलिए जब अनुभव में व्यक्ति के आता है, जीव के अनुभव में आता है, तो वाकई में जो वेदांत में कहा गया है, अनुभव के आने पर वो जीव मुक्त हो जाता है। ये प्रभु जी का आंसर था। प्रभु जी बोले कि इसीलिए जब ज्ञान का विषय होता है, ज्ञान को अनुभव में लाने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। ये प्रभु जी ने बोला। सारे सिद्धों ने प्रशंसा की कि बिल्कुल उत्तम जवाब है, बहुत ही उत्तम जवाब है। ऐसा वहां आसपास जो सिद्ध बैठे थे बोले उस सभा में। इस सिद्ध को क्रोध आ गया, तब उसने ये बोल दिया कि अच्छा, तू बड़ा आ गया योग का प्रचारक, योग का सिखाने वाला, तू बड़ी शान दिखा रहा है, तू तो 84 लाख योनियां भोगने वाला है, तू 84 लाख योनियां भोगने लायक है। क्योंकि वो सिद्ध था, उसका ये श्राप लग गया तुरंत। तो महाप्रभु जी बोले कि देखो, तू इस बालक को नहीं जानता था, तूने क्या बोला कि 84 लाख योनियां भोगने वाला, इसकी 84 लाख तो मैं देख लूंगा, पर तू अभी उतर जा। महाप्रभु जी ने उसको दंड दे दिया सिद्ध को, और वो तुरंत वो उस बर्फ में, चारों तरफ फैली थी, वो बर्फ में धस गया, पूरा शरीर उसका धस गया, मात्र छोटी छोटी उंगलियां जमीन से ऊपर दिखती रही। और फिर महाप्रभु जी ने प्रभु जी को वहीं पर समाधिस्थ करके कुछ ही क्षण में सारी 84 लाख योनियां भुगतान कर दी, तुरंत कटवा दी। जब ये कार्य सब हो गया, तब वो सिद्धों ने महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि प्रभु जी, अब कृपा इस पर भी कर दो, इसने जो गलती की थी उसका दंड ये भोग चुका, जमीन के अंदर धसा हुआ है, अब कृपया इसको भी जीवित कर दो, निकाल दो। महाप्रभु जी ने जैसे इशारा किया, वो सिद्ध भी जमीन से ऊपर आ गया, उसने अपनी गलती की माफी मांगी। तो प्रभु जी बोला करते थे कि ये उस सिद्ध, जबकि वो सिद्ध था, सैकड़ों वर्षों से नेपाल हिमालय में समाधिस्थ था, लेकिन फिर भी उसको ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसने गुरु के थपेड़े नहीं खाए थे, वो अहंकारी था, अहंकार रह गया था, इसलिए इस वजह से उसको ये सजा मिली। तो ये घटना हुई। इस घटना के बाद कुछ वर्ष और कुछ देर और प्रभु जी वहां रुके। उसके बाद महाप्रभु जी ने क्या बोला? महाप्रभु तब प्रभु को भाई, बोले अपने निकट बिठाई, अब तुम धरा धाम पर जाओ, जग जीवों के ताप मिटाओ, पतन योग का जग में भारी व्याकुल ऋषि, शकल नर नारी
इस विद्या का बिगुल बजा कर जगत को तारो योग सिखाकर भजन कीर्तन ध्यान समाधि बाटो जाकर सिद्ध अनादि इसी हेतु अवतरण तुम्हारा वहा जगत में योगी की धारा सूखा चमन युग का भाई घट घट जीव अंधेरी छाई एक तुम्ही न शब ची आसा अंधकार में करो प्रकाशा जानिज जन को धीर बंधाओ संस्कार भुगतान कराओ बनेंगे कितने सिद्ध दुलारे आवेंगे फिर पास हमारे अपने सदगुरु नाथ का ले प्रभु जी आशीष अवनी को फिर चल दिए कृपा सिंधु जगदीश दिव्य समाधि ध्यान में गए भक्त जन जान अवनी पर है आ गए सतगुरु कृपा निधान एक बार जमुनिया घाट फिर गए थे जन प्रतिपाल बैठे थे जिस रेल में जाना राम रती ने हाल तो क्या हुआ ये सब घटना हो गई प्रभु जी कुछ दिवस और रुके उसके बाद महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि देखो आपका जन्म इस दुनिया में योग के प्रचार के लिए है लोगों के उद्धार के लिए पता नहीं बहुत सारे तुम्हारे संस्कारी बच्चे तुम्हारी शरण में आएंगे सिद्ध बन जाएंगे योगी बन जाएंगे और फिर हमारे पास आएंगे अब तुम अवनी मंडल पर जाओ लोगों को योग सिखाओ कीर्तन भजन योग ध्यान समाधि सिखाकर लोगों का जीवन का उद्धार करो ये आज्ञा पाकर श्री प्रभु जी वहां से चल पड़े नेपाल धाम से फिर भूमंडल पर यहां पर नीचे आए फिर प्रभु जी को याद आया कि वो रामरति को बैठा गए थे जमुनिया घाट पर रामरति घटना पहले हो चुकी है वो रामरति जो कि बहुत ही पापी नारी थी घृणित कार्य करती थी उसके माँ बाप उसको मारना चाहते थे पर प्रभु जी ने उसको भगवती दुर्गा बना दिया उनको समाधिस्थ कर दिया वो कई वर्षों तक यूं ही एकटक समाधि में बैठी रही और आसपास के गांव वाले उस आते थे चम्मच से दूध पिलाते थे बस वो ना किसी से कुछ बोलती थी पर कभी कुछ बोली तो वो वरदान होता था और लोगों के काम बनते थे प्रभु जी वहां से चल पड़े और चलते चलते प्रभु जी एक ट्रेन में बैठ गए फिर क्या होता है राम रती जो नाती की प्यारी बैठी अटल समाधि मुख जो अब तक कभी न खोली हिली डुली नहीं कुछ थी बोली बरसों से थी ध्याना सीना हरि चरणों में प्रेम सुलीना ध्यान में उसने नाथ निहारे रेल में बैठे
प्रभु जी प्यारे। रेल रुकी स्टेशन आई, उतरे उससे जग के साई। रावती तब बचन उछाए, आ गए नाथ हमारे। जल्दी दौड़ो वहाँ सब जाओ, विनय पूर्वक प्रभु को लाओ। तन मन धन से कर सत्कारा, लाना हरि को बचन उचारा। जितने थे वहाँ नर और नारी, मुदित भाई सुन हृदय सुखारी। तो रामृति को ध्यान में दिख गया कि श्री प्रभु जी जमुनिया घाट स्टेशन पर उतरे। वो अचानक बोल पड़ी, अभी तक मौन थी इतने वर्षों से, बोल पड़ी कि देखो हमारे नाथ आ गए हैं, स्टेशन पर हैं। भाई तुम सभी जाओ, हमारे गुरुदेव को, हमारे प्रभु जी को पूरे आदर सत्कार के साथ मेरे पास ले आओ। सभी लोग दौड़ पड़े, गांव वाले स्टेशन पहुंचे, ढूंढते रहे। उधर स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर था, उसने प्रभु जी का रूप देखा। अचानक उसके मन में प्रेरणा हुई कि शायद ये पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं। वो प्रभु जी को लेके अपने कक्ष में आ गया, वहां प्रभु जी को बैठा लिया और प्रभु जी को प्रणाम प्रणाम करके प्रभु जी ने पूछा, भाई यहां क्यों ले आए? वो विनती करने लगा कि प्रभु जी मुझे कष्ट है, मुझे प्रमोशन हो जाए, मुझे उन्नति हो जाए, ये सब अपनी प्रार्थना करने लगा। प्रभु जी बोला, भाई तुम जाने दो, यहां पर रामृति एक हमारी शिष्य है, उसके बच्चे अभी मुझे लेने आ रहे हैं, अभी मुझको नहीं पाके यहां भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, मुझे जाने दो। जब ही प्रभु जी ये बोल ही रहे थे, तभी रामृति ने भी उनको बोल दिया था, उन शिष्यों को, कि शायद वो काले कोट का एक आदमी है, उसने अपने ऑफिस में बैठा रखा प्रभु जी को। भीड़ पहुंच गई और प्रभु जी वहां से निकले और लोगों ने प्रभु जी को अपने कंधे पर बैठा लिया। ऐसे प्रभु जी की जयकारा बोलते हुए गांव वाले प्रभु जी को रामृति के स्थान पर लेने आ रहे थे। रास्ते में प्रभु जी बोले, अच्छा भाई अब कंधे सुतार दो, हम पैदल ही ठीक हैं। लोगों ने जिद कर दी, प्रभु जी बोले, अरे नहीं भाई उतार दो, क्योंकि वो रामृति देखो अभी आ रही है, आंख बंद किए है, यदि वो यहां पर आई उसको मेरे चरण नहीं मिले तो शायद वो प्राण भी त्याग दे। जैसे ही प्रभु जी का कहना था, उधर दौड़ती हुई रामृति आ रही थी। लोगों ने तुरंत रास्ता खाली किया और प्रभु जी को वहां पे उतार दिया। रामृति आके जोर से पछाड़ खा के गिरी, प्रभु जी के चरण पकड़ लिए, रोती रही। प्रभु जी ने उसको काफी प्यार किया। प्रभु जी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा, तुमने खूब अच्छा अभ्यास किया। और इस तरह से प्रभु जी को वो साथ लेके अपने स्थान पर गई। जैसे ही प्रभु जी उसके स्थान पर पहुंचे तो प्रभु जी ने देखा वहां पे मंदिर बना हुआ है, धर्मशाला बनी हुई है, कई कमरे, बहुत कुछ वहां निर्माण हो चुका था। तो प्रभु जी बोले, वाह रामृति, तुमने तो यहां पूरा दशा ही बदल दिया, कितने भवन बना दिए। तो रामृति रो पड़ी, बोली, प्रभु जी आज आपके सामने मैंने नेत्र खोले हैं, मुझे तो पता ही नहीं किसने क्या बनाया और ये कब बना, मुझे इसका कोई भान ही नहीं है। तब गांव वालों ने बताया कि प्रभु जी जैसी आपने आज्ञा दी थी वैसी ही हुआ, रामृति को हम दूध पिलाते रहे, कभी कभी बीच में ये वरदान बोला करती थी, उससे हम सबके काम बने और जिन जिन के काम बने उन लोगों ने यहाँ पर मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं आदि सब बनवा दिए।
इसको ज्ञान नहीं है तो यहाँ पे समाधिस्थ रहती थी। तो इस तरह से जब प्रभु जी ने रामरती को बोला कि अब मैंने देख लिया तुम अच्छा अभ्यास कर रही हो, तुम ऐसी अभ्यास करती रहो और मुझे अभी जाना है, हमारे और भी काम है, और भी तुम्हारे भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। रामरती रो पड़ी और बोले कि नहीं, हम तो आपके साथ ही जाएंगे। जैसे ये बोले, गांव वाले भी प्रभु जी से रो पड़े, बोले प्रभु जी इसको मत ले जाना, ये तो हम सबकी सहारा बन गई है, हम सब इसकी सेवा करते हैं और इसके द्वारा मेरे सारे काम बनते हैं। तो इस तरह से प्रभु जी बोले रामरती से कि देखो भाई, तुम्हारी यहां साधना निर्विघ्न चल रही है, तुमको पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम अच्छा अभ्यास कर रही हो, तुम बिल्कुल डट के अभ्यास करती रहो, अभी आगे बहुत कुछ तुमको मिलेगा। और कभी जब तुम्हें लगे कि यहां जन समुदाय के बीच में तुम्हारा अभ्यास चलने में दिक्कत हो रही है, तब कभी तुम एकांत में वनों में चली जाना, अभी तुम यहीं रहो, मुझे जाना ही होगा, बहुत सारे कार्य हैं। ऐसा करके प्रभु जी ने रामरती को समझाया, उसको ढांढस बंधाया और उसके बाद प्रभु जी वहां से चल पड़े। प्रभु जी जब वहां से चल पड़े तो हुआ ये कि तीरथ राम प्रभु जी के चचेरे भाई थे, बड़े भाई थे। प्रभु जी को घर से निकले कई बरस हो चुके थे और तीरथ राम जो है हर जगह हरिद्वार इसी के जहां पे भी कोई कुंभ लगता, कोई उत्सव होता, जरूर देखने जाते थे। और इसी तारतम्य में वो भी हरिद्वार आए। उस समय वहां पर कुंभ लगा हुआ था और उनके प्रभु जी के बड़े भाई पंडाल दल पंडाल घूम रहे थे, शायद यहाँ उनके छोटे भाई मिल जाएं, शायद यहां मिल जाएं, ऐसा करके ढूंढ रहे थे। कई बरस हो चुके थे, प्रभु जी वहां से जब घर से निकले फिर नेपाल चले गए, आसाम की यात्रा करी, तो समय बहुत हो गया था। तो तीरथ राम जब घूम रहे थे तो एक महात्मा, एक सिद्ध महात्मा मिले और तीरथ राम को बोले, भाई क्या कारण है, तुम इतना मोह सुखा के, इतनी ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी आपत्ति है, क्या दुख तुमको है? तीरथ राम ने बताया कि मेरा एक छोटा भ्राता है, उसका नाम श्री रामलाल है, वो उसको कई वर्ष हो गए हम ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा। वो सिद्ध महात्मा ने प्रभु जी का दिव्य तेज देखा, बोले कि तुम्हारे वो भाई इसी पंडाल में, इसी कुंभ क्षेत्र में है, तुम जाओ पता कर लो, शायद मिल जाए। तो इस तरह से जब वो सिद्ध महात्मा ने बोला, उनको मन में खुशी हो गई और ऐसे करते 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 वो प्रभु जी के पंडाल में पहुंच गए। वहां बहुत सारे साधु लोग प्रभु जी को घेर के बैठे थे, प्रभु जी के दाढ़ी जटा बड़े हुए थे, वो प्रभु जी को पहचान नहीं पाया, बड़ा उदास होके एक साइड बैठा था, सोचा था कि इस महात्मा से भी पूछेंगे। तब प्रभु जी ने एक माया फेरी और उनको खुद ही पूछा कि अरे भाई तुमको क्या दुख है? तो जैसी ये बोला क्या दुख है, उन्होंने सारी बात बताई, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा, अभी किसी ने बताया था इसी पंडाल क्षेत्र में कहीं मिलेंगे। ऐसा कहके वो बड़े दुखी होके प्रभु जी के चरण पकड़ने के लिए झुके। प्रभु जी सामाजिक मर्यादा पूरी ध्यान रखते थे, जैसे ही वो चरण पकड़ने को झुके प्रभु जी अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए तो उनको भी शक हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर प्रभु जी ने आवाज दी, आकाशवाणी हुई, प्रभु जी बोले अरे इस इतना मोह क्यों करते हो, मुझे पता है कि तुम मेरे प्यारे भ्राता हो, तुम मेरी बहुत चिंता करते हो, पर इस जग के सारे रिश्ते नश्वर हैं, माता पिता भाई बहन सारे संबंध बस इस जीवन तक है, इससे परे कुछ नहीं,
हरि का भजन ही स्थाई है, इस तरह से प्रभु जी आकाशवाणी किए। फिर प्रभु जी द्वारा से सामने आ गए, दोनों खूब गले मिले। तीर्थ राम काफी रोए बिलखे, प्रभु जी ने उनको सांत्वना दी। प्रभु जी बोले, अच्छा भाई तुमको बहुत कष्ट दिया, अब तुमको कष्ट नहीं देंगे। मेरे को गुरु की खोज थी वो हो गई पूरी, मैंने जो योग साधना करनी थी कर ली, अब मैं तुम्हारे साथ घर वालों के साथ रहूंगा, तुमको अब कोई कष्ट नहीं दूंगा। ऐसा कहके प्रभु जी वापिस तीर्थ राम के साथ में अमृतसर आए। फिर क्या हुआ, भ्राता के संग ताता आए, कुल परवारी हर्ष मनाए, मंगल रूप मनोमल हारी, जटा जूट हारी पतित उधारी, जो जन प्रभु का रूप निहारे, तन मन की सब सुधि विसारे, व्यापक तेज दिव्य अविनाशी, नाथ बने करुणा की राशि, जो सुख कभी भोग नहीं पाए, वह अमृत सुख प्रभु पिलाए, धन्य जीव ये अत बड़ भागी, द्रवित प्रभु जिन पर अगहारी, पुण्य जीव कोई विशद कमाए, दर्शन शुभा प्रभु जी के पाए। आपस में करने लगे यथा योग्य सत्कार, उमड़ घुमड़ था कर रहा हर जन का मन प्यार, प्रभु जी के सन्मुख हुए सभी स्वजन को जोड़, विनय करी अब राम से ना जाना हमको छोड़, बहुत दिवस अब घूम बिताए, कितने वर्ष बाद अब आए, अब घर संग हमारे जाना, दया धाम मत हमें भुलाना, सुन कर निज स्वजनों की वाणी, बोले प्रभु वर कृपा निधानी, अब हम नहीं बनों को जावे, दुखी और नहीं तुम्हें बनावे, तुम सब हो हमको अति प्यारे, कभी नहीं मम मन से न्यारे, अमृत सर चल कर निवासा, दी प्रभु ने इस तरह दिलासा, सुखी हुए सुन प्रभु की बाणी, कैसे जाए खुशी बखानी, सती सुभद्रा न मन झुकावे, मन ही मन निज इष्ट
कहीं ध्यावे, इतने बरस धीर रही धाते, इष्ट भजन कर उसने काटे। कर तैयारी सब चले त्याग धाम हरिद्वार, अमृतसर को चल दिया प्रभु सहित परिवार। इस तरह से प्रभु जी सारे परिवार को लेके हरिद्वार को मुझसे अपने बड़े भाई तीरथ राम सभी के साथ में वापिस अमृतसर आ गए। इस तरह से परिव्राजक कांड पूरा हुआ। आगे की घटना, प्रभु जी घर पहुंचे और प्रभु जी ने वहां जाके गृहस्थ वेश धारण किया। प्रभु जी ने जटाजूट हटा दिए, बड़ी दाढ़ी हटवा ली और एक पगड़ी धारण करने लगे, धोती कुर्ता पगड़ी वेश में। और प्रभु जी ने जब अमृतसर पहुंचे, आसपास के उनके पड़ोसी मित्र परिवार के लोग बहुत भीड़ आई प्रभु जी से मिलने के लिए। और धीरे धीरे करके प्रभु जी ने अपने घर पर ही पहले तो ध्यान कक्षा प्रारंभ की, लोगों को ध्यान सिखाना प्रारंभ किया। और वहां उस समय रोगों के उपचार के लिए प्रभु जी ने जीवन तत्व साधन, ये 9 यौगिक क्रियाएं हैं जो प्रभु जी ने अपने मन से उपजाई थी। ये 9 क्रियाएं बहुत ही सरल हैं। वैसे तो योग में मुख्य रूप से 84 आसन बताए गए हैं, पर वो 84 आसन हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता और खासकर बड़े वृद्ध करना मुश्किल है जब तक शरीर में वो अभ्यास ना हो। लेकिन ये 9 क्रियाएं सारी आसनों का सार है और इन आसन को प्रभु जी ने उपजाया, जीवन तत्व साधन नाम दिया। और इन आसनों को 6 महीने जो लगातार करता है, प्रभु जी कहा करते थे उसका कायाकल्प हो जाता है, लोगों की जठराग्नि प्रबल हो जाती है, लोग कई कई किलो कच्चा अनाज खा जाते हैं और उससे जो रस बनता है शरीर में, जो उसका डाइजेशन अच्छा होकर शरीर में एक तरह से नई ऊर्जा, नई सेल्स बनती हैं, स्किन एकदम नई हो जाती है, पूरी ऊर्जा से शरीर भर जाता है। इस तरह से क्रियाओं का अभ्यास प्रभु जी ने चालू करवाया ताकि योग सीखने वाले लोग पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, फिर वो अभ्यास में आगे बढ़े। इस तरह से प्रभु जी ने जीवन तत्व साधन, नेति धोती और ध्यान कक्षा प्रारंभ कराई। और प्रभु जी जब उनके पास संगत आती, आसपास के लोग आते, प्रभु जी जो है उनको अपने जंगलों की घटनाएं बताया करते थे, किस तरह से जंगल में किस किस तरह के महात्माओं से मिले, क्या हुआ नेपाल में, क्या हुआ, प्रभु जी वो घटनाएं उनको बताया करते थे। लोगों के लिए ये सब घटनाएं बड़ी असंभव सी थी। दुनिया वालों को अभी आप कुछ बोलो तो वो इन बातों पर प्रायः विश्वास नहीं करते, वो भी समझते थे पता नहीं किस किस तरह घटनाएं बताते हैं, इस आज के युग में संभव कैसे। लोगों के मन में हमेशा डाउट रहता था और बस लोग ये समझते थे ये ज्योतिष के ज्ञाता हैं। इनके पिताजी भी अच्छे ज्योतिष थे, प्रकांड पंडित थे, तो इनको उसी का ज्ञान है। लेकिन जो यो योग की विद्या और उससे होने वाले आश्चर्यजनक कार्यों को ये बताते हैं, इस पर उनको भरोसा नहीं था। और इसी दौरान एक घटना हुई। आया एक नगर ब्रह्मचारी, हाथी द्वारा टटा तप धारी, संत राम की विशद सराया, रुका वहां साधु जो आया, नगन रूप था सिद्ध अकेला,
काटी पर पात्र लपेटा केला, कभी नहीं वह नेत्र उघारे, रहता सदा समाधि धारे। तो एक महात्मा आया अमृतसर में, हाथी द्वार एक जगह है, एक गेट है बड़ा सा हिस्टोरिकल, हाथी द्वारा के पास आके वो सिद्ध बैठ गया। नगन था, एक केला का पत्ता लगाया था, बस आंख बंद थी, समाधिस्थ होके बैठ गया। कई दिन बैठा रहा, कभी ना आंख खोले ना किसी कुछ बोले, भीड़ आती थी, लोग उसके दर्शन करते थे। उसी दौरान प्रभु जी को जानने वाले बहुत से प्रभु जी के पड़ोसी आए कि देखो आप जंगल के महात्माओं की बात करते हैं, वो महात्मा तो हमने देखे नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर एक महात्मा आया है, शायद उसको देख के आपका मन प्रसन्न हो जाए, आपने भी नहीं देखा होगा ऐसा कोई महात्मा, नग्न बदन है और ना किसी से बोलता है, आंख बंद रखता है, कितने समय से बैठा है। प्रभु जी को बोले बार बार कि आप भी दर्शन कराओ, आप भी दर्शन कराओ, प्रभु जी इसको टाल देते। प्रभु जी बोले नहीं, दर्शन तुम ही कर लो, हमने तो बहुत से महात्माओं के दर्शन किए हैं। उसके बावजूद भी लोग प्रभु जी के पीछे पड़ गए, अरे एक अच्छा सिद्ध महात्मा आया है, आपका भी उद्धार हो जाएगा, आप तो चलो। प्रभु जी से जिद करके प्रभु जी को ले गए। प्रभु जी वहां हाथी द्वारे पहुंचे और प्रभु जी सामने की बजाय उस महात्मा के पीछे खड़े हुए। जैसे ही उस महात्मा ने दिव्य तेज चमका और देखा, तुरंत वो उठ खड़ा हुआ, साष्टांग हो गया, प्रभु जी को प्रणाम किया लेटकर और रोने लगा। बोला हे नाथ, कितनी आपने परीक्षा ली, कितने दिनों से मैं बैठा हूं, मैं बस्ती से दूर रहता हूं, बस्ती की मर्यादा होती है, मैं कपड़ा पहनता नहीं, आपने शतपथ से बुलाया, मुझे खेचरी सिद्धि करनी थी, आपने मुझे लाइट दिखाई, मैं आपके लाइट से आया और आप दर्शन मुझे आज दिए। रोने लगा, प्रभु जी ने उसको शांत किया, प्रभु जी बोले तुम धैर्य रखो। फिर प्रभु जी ने कान पकड़ के उसको एक मंत्र बोला, बोले जा आज से तू खेचर सिद्ध। जैसे ही प्रभु जी ने बोला, उसको खेचरी सिद्ध हुई और प्रभु जी बोले अब जा, अब बस्ती में ज्यादा रुकना ठीक नहीं। वो महात्मा कुछ कदम आगे गया और तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गया। ये घटना कई लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखी, भीड़ थी वहां पर। ये घटना के बाद में लोगों का विचार प्रभु जी के प्रति बदल गया, सभी समझने लगे कि ये पंडित वेश में पगड़ीधारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भी कोई बड़े बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं, क्योंकि इतने इतने बड़े बड़े वृद्ध संतों संत जंगल से जो आते हैं वो भी प्रभु जी से कोई विद्या सीखने आते हैं, इसका मतलब ये कोई साधारण पुरुष नहीं। इस तरह से लोगों की वहां भीड़ और भी बढ़ गई और प्रभु जी ने वहां पर अपना जो क्रम था सिखाने का, जीवन तत्व साधन और ध्यान क्लास, तो प्रभु जी रोज करते रहे और इस तरह से ये क्रम बढ़ गया। लेकिन प्रभु जी के पास आने वालों की भीड़ और भी बढ़ गई। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, रोज सभाएं होती थीं, रोज जुलूस निकला करते थे। तो इस तरह से जब वो समय था, उस समय प्रभु जी ने जब ध्यान से देखा कि उनके जो मुख्य बच्चे हैं, जिनके द्वारा प्रभु जी को आगे प्रचार करवाना है, वो अभी तक शरण में नहीं आए थे। प्रभु जी के एक बच्चे थे, उनका नाम था राम रतन, वो प्रभु जी के नित्य सभा में आया करते थे। एक दिन की बात है, प्रभु जी अमृतसर में किसी बाजार से निकल रहे थे, वहां जुलूस चल रहा था, प्रभु जी साइड में खड़े हो गए, अचानक वहां पर पूरा जुलूस निकला और वहां पर एक बालक, एक युवा लड़का जो करीब 18-20 साल का रहा होगा, वो झंडा लेके आगे आगे चल रहा था और नारे लगाते हुए चल रहा था। जैसे ही प्रभु जी के निकट से गुजरा, प्रभु जी ने उसके सारे संस्कार देख लिए, प्रभु जी समझ गए कि ये बालक मेरा जन्म जन्मांतर का संस्कारी है। प्रभु जी ने उसको पास में बुलाया और वे क्या बोले,
बोले पीर नाम क्या तेरा, कहाँ धाम किस ग्राम बसेरा, कौन पिता तेरी कौन महातारी, दिनचर्या क्या युवक तुम्हारी, निकट युवक जब प्रभु के आया, जोश अचानक उसमें छाया, क्योंकि प्रभु जी सिद्ध अनादि, पहने हुए नहीं थे वो खादी, मिलके वस्त्र नाथ थे धाये, पगड़ी कुरता धोती सारे, बोला युवक कड़क कर मानी, देश भक्त हम हैं बलिदानी, बात नहीं हम उन संग करते, तन जो खादी वस्त्र न धरते, पहले मल मल के वस्त्र उतारो, बुनी हाथ की खादी धारो, यही आज का धर्म हमारा, माल स्वदेशी हमें को प्यारा, खादी की लानी है आंधी, बोला कह जय बापू गांधी, चला गया उधर घोष मचाता, जय जननी भू भारत माता, बात नात से कछु नहीं कीनी, जगह है जाए जुलूस में लीनी, भारत माँ के प्यार में भूला सब घर बार, ऐसे धन्य सपूत की कथा करें विस्तार। तो हुआ ये, जब प्रभु जी ने उस बालक को बुलाया, उस युवा लड़के को बुलाया, प्रभु जी बोले कहो बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे माता पिता क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। जैसे ही प्रभु जी ने बोला तो उस युवक ने बड़े कड़े शब्दों में प्रभु जी को जवाब दिया कि पहले जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं, प्रभु जी उस समय मखमल मतलब रेशमी कपड़े पहने थे, मिल के कपड़े थे, बोले ये कपड़े पहले फेंको और खादी पहनो, यदि खादी पहनोगे तभी मैं तुमसे बात करूंगा, मुझे सारे भारत में खादी की धूम मचानी है, खादी ही लोगों से कहना है, उपयोग करना, और मैं महात्मा गांधी और बापू के आदर्शों पर चलता हूं, और भारत माता की जय करके वो आगे बढ़ गया, प्रभु जी से बात नहीं की। प्रभु जी मुस्कुरा गए, प्रभु जी उसके सारे संस्कार देख चुके थे, प्रभु जी चलते चलते वापस आश्रम आ गए, अपने घर आ गए। पंडित राम रतन जो प्रभु जी का एक बच्चा था, वो आज गौर कर रहा था कि प्रभु जी कभी कभी बार बार हंसते हैं, बार बार गंभीर हो जाते हैं, राम रतन से रहा नहीं गया, बोले कि आज प्रभु जी कुछ विचित्र बात हो रही है कि आप बार बार मुस्कुराते हो फिर गंभीर हो जाते हो, भाई क्या बात है, आप बात तो बताओ। प्रभु जी बोले राम रतन आज मुझे एक बहुत ही प्रगाढ़ संस्कारी बालक मिला, जो जिसका मेरे से जन्म जन्मांतर से संबंध है, कई जन्मों में उसने योगाभ्यास किया है, वो बिछड़ा हुआ बालक मिल गया। तो राम रतन बोले कि भाई उसका नाम बताओ। प्रभु जी बोले कि कोई बात नहीं, अब उसका संस्कार तो 8 साल बाद आने का था,
लेकिन चूंकि आज मेरी नजर पड़ गई, अभी संस्कार 8 साल का 8 दिन में पूरा हो जाएगा, 8 दिन बाद वो खुद ही आ जाएगा, तुम देख लेना। रामचंद्र बोले, अरे आप 8 दिन का इंतजार भी क्यों कर रहे हो, अमृतसर में ऐसा कौन है जिसको मैं बुला नहीं पाऊं, आप नाम बताओ मैं उसको लेके आता हूं। प्रभु जी बोले, नहीं ऐसे नहीं बुलाना, वो खुद ही आ जाएगा और वो देखना तुम सबसे आगे उसकी योग अवस्था हो जाएगी। प्रभु जी ने इशारे में कर दी, कह दिया बात, और रामचंद्र भी बड़े जिज्ञासा में हो गए कि भाई ऐसा कौन सा बालक प्रभु जी का जो आएगा। उधर ये युवा अवस्था, ये युवा बालक था, ये घर पहुंचा, पर उसी दिन से उसका मन बड़ा विचित्र परिवर्तन हो गया, मन में वैराग्य समा गया, उसको ना ये जुलूस पसंद आते थे ना घरवार पसंद आता था, मन में बड़ी बेचैनी थी कि कोई गुरु मिले, कोई योग सीखूं। तो रामरतन, इन्हीं ये घटना है हमारे योगीराज श्री मुलकराज जी महाराज की, तो इन्हीं के पड़ोस में थे मुलकराज जी महाराज का परिवार, इनके पिता का नाम था पंडित देवीदास। तो ये जो है रामरतन से बोले मुलकराज जी महाराज, उस समय युवा अवस्था में थे, कि भाई पता नहीं क्या हो गया, मेरे मन में अब ऐसा विचार आता है कि घर छोड़ दूं, जंगलों में चला जाऊं, किसी गुरु की तलाश है मुझे, मैं योग सीखना चाहता हूं। तो रामरतन खुश होके बोले, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें योग सीखना है लेकिन जंगल में जाने की आवश्यकता क्यों? अरे मेरे ही एक गुरुदेव आए हैं, अमृतसर के रहने वाले हैं, प्रभु श्री रामलाल नाम है उनका, और उनके बारे में सुनते हैं कि वो नेपाल से योग सीख के आए हैं, तुम्हें कहीं जाना भी नहीं है, वो जो है यहीं पास में कटरा भाई संत सिंह का जो क्षेत्र है वहीं पर रहते हैं। तो उनके बारे में और घटना उसने बताई रामरतन ने, कि भाई अभी एक सतपथ से बद्रीनाथ से आगे सतपथ है, वहां से एक महात्मा आया था, इनसे योग सीखने आया था, और वो सबके सामने अदृश्य भी हो गया, तो ये बहुत ऊंचे सिद्ध है, इनसे जंगल के भी महात्मा सीखने आते हैं योग। तो फिर मलकराज जी महाराज बोले, भाई ऐसी बात है तो तुरंत ले चलो। फिर इस तरह से चर्चा करके बोले, अच्छा ठीक है। उनसे एक दिन निश्चय हुआ, अमुक दिन हम आएंगे। रामरतन को बोला कि भाई तुम भी साथ चलना या वहां मिलना, बोले हाँ बिल्कुल मिलेंगे। ऐसा करके ये बात तय हो गई, उन्होंने बोला कि प्रभु जी अभी तुमको अमुक दिन मिल जाएंगे, तुम आ जाना, हम भी वहीं मिलेंगे। अब वो कहने को तुम मात्र बीच में 6-7 दिन थे, मुलकराज जी महाराज को बेचैनी बढ़ती गई, उनको लगे कि काश ये 6-7 दिन भी घट के एक दिन रह जाए। खैर करते करते वो दिन आ गया, मुलकराज जी महाराज सुबह उठे, बड़ी प्रसन्नता थी, जैसे कि मानो उनको कोई खींच रहा है, ये नए वस्त्र पहने, और अचानक इनके मन में आया क्यों ना कुंडली भी लेके चलो, ये शायद वो ज्योतिष भी जानते हैं तो दिखा लेंगे। कुंडली लेके और जल्दी जल्दी कदम रखते हुए प्रभु जी के स्थान पर पहुंच गए, कदम रखा, रामरतन वहां गेट पर ही मिल गए, उन्होंने इनका स्वागत किया, आओ भाई आओ, अच्छे ठीक समय पर आ गए, प्रभु जी अंदर विराजमान है, दर्शन कर लो। ये जैसे इन्होंने अंदर गए, कदम रखा, प्रभु जी सामने विराजमान थे, जैसे ही प्रभु जी का स्वरूप देखा सहम गए, क्योंकि उनको वो घटना याद आ गई, कि ये तो वही पंडित जी हैं जो कि हमको जुलूस में मिले थे और हमने अपशब्द बोले थे। प्रभु जी इनके भाव ताड़ गए, प्रभु जी बोले, अरे आओ बेटा संकोच मत करो, आ जाओ, ये हाथ में कुंडली लिए लाओ, जो मुझे दिखाओ। और प्रभु जी ने वो कुंडली हाथ में ले ली, उसके बाद प्रभु जी ने उनको कुंडली देख के थोड़ा बहुत पन्ने पलटे, और प्रभु जी बोले, अच्छा ठीक है, पहले कुंडली में जो लिखा है वो मैं तुमको बताता हूं। बोले भुवन चतुर्दश स्वामी, आज अविनाश अकाल अमानी, पुत्र पुत्र
पुत्री पुत्र कुंडलनी तुम्हारी प्यारी साधारण जीवों से न्यारी इसमें लिखा बनो तुम योगी जग माया से विरत अभोगी चालू समझ अभी से खाता तीन काल के बनो दे जाता सुन प्रभु जी की बात को हुए मुलक हैरान क्या कहते हैं आप ये मैं बालक नादान तो प्रभु जी ने बोला भाई तुम्हारी कुंडली तो बड़ी विलक्षण है आम लोगों जैसी नहीं है इसमें तो ये लिखा है कि तुम योगी बनोगे तीन काल के ज्ञाता बन जाओगे और समझ लो तुम्हारा तो ये समय अभी से प्रारंभ हो गया। मल्लखराज जी महाराज बोले कि शायद ये पंडित जी हमसे मजाक कर रहे हैं क्योंकि हमने उल्टा सीधा बोला था। बोले कि अरे आप कैसी बात कर रहे हो ये कैसे संभव है मैं तो कुछ जानता नहीं योग के विषय में आप बोल रहे हो कि आप त्रिकाल मैं त्रिकालदर्शी बन जाऊंगा ये कैसे संभव है इसके लिए तो लोग जन्म जन्मांतर लगा देते हैं। प्रभु जी बोले अच्छा तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या तुम आज संध्या करके आए थे। वो बोले कि हाँ संध्या तो की प्रभु जी संध्या नहीं की तुमने। प्रभु जी बोले एक काम करो एक कमरा प्रभु जी ने दिखाया बोले इस कमरे में जाओ और जाकर प्रभु जी ने बोला कि अपनी संध्या कर लो और प्रभु जी ने जो है उनके सिर पे हाथ रख दिया गहरा शक्तिपात कर दिया कान में एक मंत्र बोल दिया बोले मंत्र बोलते बोलते आंख बंद करो। जैसे ही उन्होंने मंत्र बोलते आंख बंद करी शक्तिपात प्रभु जी का हो गया था तुरंत उनको मूलाधार कमल दिखा मूलाधार जो हमारा स्थान है कमल के पहला कमल ये है उनको रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति के देव के दर्शन हुए और प्रभु जी इस तरह से उनको ध्यान में समाधिस्थ करके मूलाधार में समाधिस्थ करके प्रभु जी ओकाड़ा चले गए हरिद्वार के पास एक जगह थी वहां चले गए और वो यूं ही समाधि में बैठे रहे। और जब प्रभु जी ओकाड़े से आए उस समय तक मल्लखराज जी महाराज ने सारा ही अपने संस्कार अपने पूर्व जन्म सब वो दर्शन कर लिए थे। उन्होंने उसी वक्त जब वो समाधि में थे उन्होंने गणपति जी से पूछा क्या मेरे पूर्व जन्म की माता के दर्शन कराओगे। तुरंत उन्होंने को एक दिव्य महिला के दर्शन हुए बहुत ही सुंदर बागान में बैठी थी देवी देवता उनकी सेवा कर रहे थे और तो गणपति जी ने दर्शन करवाते बोले ये तुम्हारी माता है। उनकी माता ने उनको प्यार किया बोले पुत्र ये तुम्हारा सौभाग्य है तुमको इतने बड़े गुरुदेव मिले ये तुमको पूर्ण कर देंगे तुम इनके चरण कभी छोड़ना मत। ऐसा करके वो माँ चली गई। फिर इन्होंने गणपति जी से बोला कि अरे आपने माता के दर्शन तो करा दिए लेकिन अब मेरे पिता के भी दर्शन करा दो। जैसे ही पिता के दर्शन के लिए बोला गणपति जी मुस्कुरा गए बहुत तेज आंधी सी आई दिव्य इतना तेज कि सहन नहीं कर पा रहे थे दिव्य तेज के बीच में उनको प्रभु जी का स्वरूप चमक गया। प्रभु जी ने प्रकाश थोड़ा कम किया फिर प्रभु जी ने बड़ा प्यार किया तो प्रभु जी के बारे में गणेश जी ने बताया यही तुम्हारे पूर्व जन्म के पिता हैं। प्रभु जी पूर्व जन्म के उनके पिता थे मल्लखराज जी महाराज के स्वयं के पिता थे। प्रभु जी ने काफी लाड़ प्यार किया इनके भी मन में प्रभु जी के प्रति बड़ा प्यार आया प्रभु जी ने उनको आशीष दिया और फिर प्रभु जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से ये सारे उन्होंने संस्कार देख लिए थे। जब प्रभु जी वहां से आए औकाड़े से प्रभु जी ने इनका अभ्यास देखा प्रभु जी प्रसन्न हो गए और उसके बाद मल्लखराज जी महाराज भी प्रभु जी की सेवा में निरंतर रहने लगे और उनकी आज्ञा
पालन में लगे रहे। ये इतने प्रभु जी के भाव में गदगद रहते थे कि प्रभु जी जब आए तो बस प्रभु जी के चरणों से लिपट गए। ये घर भी नहीं जाना चाहते थे, इतना इनके मन में प्रभु जी के प्रति प्यार आ गया था। पकड़े चरण धरा जिन माथा, मुदित भय मन जगत विधाता। उठ कर बालक कंठ लगाया, योगामृत का पान कराया। रोम रोम में मस्ती छाई, ऐसी प्रभु ने कृपा दिखाई। नेत्र तीसरा खुला निराला, घट में छाया आत्म उजाला। दिव्य नेत्र मुलखिने पाकर, दिव्य लोक देखे हर शाकर। सिद्ध लोक मुलक थे जाते, त्रिभुवन के सब लखे नजारे। जिस जिस लोक मुलक थे जाते, पूजते वहां प्रभु को पाते। जय प्रभु की सब लोक उचारे, नमन करे आरती उतारे। प्रभु राम लाल युग लीला मृत नारी, वह नया खंड चंद्र चमकारी। तो मलकरत जी महाराज पर प्रभु जी की असीम कृपा हो गई। प्रभु जी ने एक दिन उनको पास में बुलाकर थोड़ा सा इनके भ्रूण मध्य थोड़ा सा प्रभु जी ने खरोच की। प्रभु जी बोले अच्छा आप ध्यान में बैठ जाओ। इनको दिव्य तेज का अनुभव हुआ, प्रकाश का अनुभव हुआ, और उस दिन से उनका तीसरा नेत्र उनको भ्रूण मध्य में मिल गया। वो नेत्र, उस दिव्य नेत्र से वो सारे लोगों के दर्शन खुली आंखों से किया करते थे। प्रभु जी ने आगे इनको तुरीय अवस्था प्रदान कर दी। बंद नेत्र से ये भीड़ भाड़ के इलाके में चले जाया करते थे और बड़ी तेजी से वो रास्ता पार कर लेते थे। लोग जो देखने वाले थे बड़े आश्चर्य में रहते थे कि भाई आंख बंद किए व्यक्ति ये गाड़ी मोटर भीड़ भाड़ सबसे बिना टकराते हुए तेजी से निकल जाता, ये संभव कैसे। और कई लोग तो चिंता करके प्रभु जी से बोला करते थे, प्रभु जी इसका कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। प्रभु जी बोला करते थे, बेटा इसको चलाने वाला ड्राइवर तुम सबसे बहुत चतुर है, इसका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, तुम अपना संभाल लेना। तो इस तरह से ये इनके बारे में पूरा नगर में ये प्रसिद्ध हो गए कि भाई ये बंद आंखों से इस तरह से काम किया करते हैं। तो ये जब इनका तेज ध्यान चला, उस दौरान इनके माता पिता का ध्यान भी, मलकराज जी महाराज के माता पिता का ध्यान भी उनकी स्थिति पे गया। वो देखने लगे ये लड़का, पहले तो ये आजादी के आंदोलन में था पर स्वस्थ था, घर में सामान्य रहता था, अभी तो नशेड़ी की तरह आंख बंद करके रहता है। बताओ घर का लड़का व्यापार नहीं करेगा तो क्या करेगा, भीख मांगे क्या क्या, इस तरह से उसके मन में आने लगी। तो इन्होंने कहा लगता है इस पर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया। तो अब उनके पिता ने मित्रों से सलाह ली, तो एक कोई तांत्रिक मिला। उस तांत्रिक ने कहा ठीक है इस पर जो व्याधि है हम हटा देंगे। वो तांत्रिक ने सामग्री लिखी, हवन यज्ञ किया और काफी दिनों बाद फिर एक बार उसको उनके पिताजी को बुलाया। बोला ठोको लगता आपकी काम हो गई, अब मेरी पूजा पूरी हो गई, अब कोई घर से कपड़ा लेके आओ, उस कपड़े में मैं अपना सिद्ध मंत्र करके कुछ बांधूंगा, वो कपड़ा अपने बेटे के हाथ में कहीं बांध देना या सिर के नीचे रख देना,
तो समझ लो उसकी ये बाधा टल जाएगी। वो लोग तुरंत एक वस्त्र लेके पहुंचे। उस तांत्रिक ने उस वस्त्र को कुछ मंत्रित तंत्र विधि से कुछ उसमें बांध दिया। बोला जाओ अब इसको उनके हाथ में बांध दो। मृग राज जी महाराज समाधिस्थ थे, उनके घर में आके उनके पिता ने उनके हाथ में बांध दिया। जैसे ही बांधा बड़ा विचित्र घटना हुई। विचित्र घटना क्या हुई? मुलख रहे जो के त्यों भाई, मगर विपद तांत्रिक पर आई। भीषण पीर उठी थी तन में, व्याकुल हुई वेदना मन में। दुखी हुआ जब अति वह प्राणी, सुमरी मन में मात भवानी। सन्मुख देवी उसके आई, रौद्र रूप था अतिरसखाई। देख रूप माता का न्यारा, घबराया तांत्रिक दुखिहारा। मैया मेरी पीर मिटाओ, भीषण दुख से मुझे बचाओ। रोम रोम में कष्ट महाना, खिंचने लगे कष्ट में प्राणा। माता क्या इस दुख का कारण, क्यों टूटा यह रोग अकारण। वो जैसे ही वो कपड़ा मुलक राज जी महाराज को बांधा गया, उधर वो तांत्रिक की मरणासन्न अवस्था हो गई। घनघोर उसको पीड़ा पूरे शरीर में, रोम रोम में, जैसे वो मरने वाला हो, घबरा गया। अपनी इष्ट माता को याद किया। माँ भवानी उसके सामने आई, बड़ी क्रोध रूप में, रौद्र रूप में थी। माता ने कहा कि बेटा तुमने जो अभी हवन यज्ञ करके जो सिद्धि प्राप्त की, तुमने इसका अनुचित उपयोग किया। तुमने जिस पर प्रयोग किया उसका रखवाला तो मेरा स्वामी है, इस ब्रह्मांड का मालिक है। तुम यदि उस पर करोगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम मारे जाओगे। यदि तुम मरने से बचना चाहते हो तुरंत वो कपड़ा वापिस मंगाओ, नहीं तो अब तुम्हारी जान बचना मुश्किल है। जैसे ही बात सुनी, उस तांत्रिक ने अपने शिष्य को तुरंत भेजा। वो शिष्य ने आके मुलक राज जी महाराज के घर पहुंचे, उनके माता पिता को सारी घटना बताई। बोला कृपया वो कपड़ा मुझे दे दो, नहीं तो वो तांत्रिक मारा जाएगा। कपड़ा मुलक राज जी महाराज के हाथ से हटा दिया गया और उधर वो तांत्रिक स्वस्थ हो गया। इस तरह से ये घटना जब घटी तो उनके मन में आ गया कि जो कुछ भी मुलक राज जी महाराज की स्थिति है, कोई भी कहीं का भी तांत्रिक महात्मा इसको ठीक नहीं कर सकता, मात्र प्रभु जी ही स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। उनके पिताजी को ये बात समझ में आ गई। अखिल कोटि ब्रह्मांड के जो प्रभु सृजनहार, उनकी ही बख्शीश से क्षण में हो ये सुधार। सुन तांत्रिक की बात को, बंधी थी मन में आस, गए प्रभु के पास में श्रीमन देवीदास। इस तरह से वो जब तांत्रिक स्वस्थ हुआ, समझाया कि देखो भाई इसमें मैं क्या कोई सिद्ध महात्मा कुछ नहीं कर सकता, स्वयं जो प्रभु जी हैं, इसके जो गुरुदेव हैं,
यदि वही चाहे तो भले अपना ये सब हटा दें, नहीं तो ये हम सब किसी की मजाल नहीं। ये सुन के देवीदास के मन में एक विचार आया, क्यों ना हम उनके गुरु के पास ही चले और उनको ही अपने कष्ट बताएं तो वो शायद ये स्थिति को ठीक कर दें। तो ऐसा कह के ये घटना अभी आगे चलती है, लेकिन अभी 23वां पारायण आ गया, आगे घटना हम कल कहेंगे। तो अंतिम में एक छोटा सा भजन, उसके बाद हम आज विराम करते हैं। तर जाए वो पल में मन
हो जाए डर जाए वो पल में मन मस्त हो जाए मन झूम झूम नाचे आनंद हो जाए मन झूम झूम नाचे आनंद हो जाए सतगुरु के चरण सतगुरु के चरण मुक्ति का संगम मेरे प्रभु जी ने मुझको संभाल लिया है संभाल लिया है ना दुनिया का गम ना रोग सितम बोलो प्रभु जी 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 मेरे प्रभु जी के धाम की शोभा नारी मेरे प्रभु जी की धाम की शोभा नारी कण कण में बसती है रिद्धि सिद्धि भारी बड़े भाग्य हमारे प्रभु धाम को पाए बड़े भाग्य हमारे प्रभु ए मौका सुहाना जीवन को संवारे ए मौका सुहाना जीवन को संवारे मेरे मन में बसे प्रभु जी के चरण मेरे प्रभु जी ने मुझको संभाल लिया संभाल लिया है ना दुनिया का गम ना रोग से तम बोलो प्रभु जी 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 ये जीवन है चार दिनों का मेला ये जीवन है चार प्रभु जी का सुमिरन अब कर ले थोड़ा प्रेम प्रभु जी के चरणों में अब तू बढ़ा ले प्रेम प्रभु जी के चरणों में अब तू बढ़ा ले और अंतिम में प्रभु जी के धाम को पाले और अंतिम में प्रभु जी के गुरु मंत्र जपो हर पल हर दम मेरे प्रभु जी ने मुझको संभाल लिया है संभाल लिया है ना दुनिया का गम ना रोग सितम बोलो प्रभु जी इसके साथ
आज का लीलामृतम पाठ हम समाप्त करते हैं और कल मास प्राण 23वें अध्याय से आगे प्रभु जी कथा कहेंगे। सभी गुरु भाई बहनों को जय प्रभु जी की।